ऑल राइट गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डिस्टीबी शेयर के बारे में। तो पिछले दिन डिस्टीबी शेयर के अंदर 6.73% का एक अच्छा खासा अपसाइन मोमेंटम देखने को मिल चुका है डिस्टीबी शेयर के अंदर। और साथ ही साथ गाइस, डिस्टीबी शेयर ने पिछले दिन का वॉल्यूम जो था वो भी एक बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग एक महीने की रिटर्न की बात करें डिस्टीबी शेयर के अंदर, तो 41% का रिटर्न एक महीने के अंदर डिस्टीबी जैसा शेयर ने दे चुका है। तो क्यों इतना ज़्यादा तेजी डिस्टीबी के अंदर देखने को मिल रहा है? अगर हम लोग एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7% का रिटर्न दिया है, जबकि लगभग एक महीने के अंदर हमको 40% का भी तेजी देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग अगस्त महीने से बात करें तो अगस्त महीने से अब तक 81% का तेजी देखने को मिल चुका है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या आपको अभी फिलहाल के लिए डिस्टीबी का शेयर खरीदना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर आपका पोर्टफोलियो के अंदर है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करूंगा। अगर उससे पहले कुछ न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो अभी डिस्टीबी जैसा शेयर ने अपना 52 एक हाई लगा चुका है और चार दिन के अंदर 19% का तेजी देखने को मिल चुका है। और साथ ही साथ बीएससी के अंदर 20 लाख के आसपास शेयर का ट्रेड हो चुका है बीएससी के अंदर। और साथ ही साथ पिछले कुछ ही दिनों से लगभग एवरेज वॉल्यूम जो देखने को मिल रहा है वो है 30 लाख के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक उट का सिग्नल दे रहा है। और साथ ही साथ गाइस, जे जो एक बहुत अच्छा बात है कि अभी अनुज गुप्ता जी ने अभी टारगेट दिया है डिस्टीबी के अंदर, करेंट मार्केट प्राइस के अंदर बाय करने का सलाह दिया है अनुज गुप्ता जी ने। और उनका कहना है कि टारगेट 24 रुपीज़ के आसपास होगा, उसके साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 17 रुपीज़ के आसपास। तो सीधा हम लोग चले जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, और यहाँ पर आप देखिए कि लगभग गाइस 24 रुपीज़ का टारगेट अचीव भी हो चुका है। तो उन्होंने जो टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है। और इसी जो 24 रुपीज का लेवल है, यही लेवल से फिर से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, यानी कि एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा सा क्लोजली देखें, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। और ऊपर वाले लगभग 24.40 रुपीज़ के आसपास हाई लगाया था, और इसी लेवल से फिर से सेलर ने हावी हो चुका है ये शेयर के ऊपर। और साथ ही साथ अभी फिलहाल के लिए ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल का आसपास आ चुका है। तो अभी देखते हैं, अभी ये जो अच्छा खासा तेजी आ चुका है, इसके बाद तो दोबारा तभी ये तेज़ी आएगा, जब तक यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे तेज़ी नहीं आएगा। लो से लगा लेकर अगर हम लोग हाई की बात करें, तो हमको लगता है कि लगभग ये 21.10 रुपीज़ के आसपास आप ये डिस्टीबी शेयर को आने दीजिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ब्रेकआउट कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक मैंने ब्रेकआउट को लगा दिया है। यहाँ पे फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लिया है, सेकंड रेजिस्टेंस लिया है, आप देखिए थर्ड रेजिस्टेंस लिया है और फोर्थ टाइम ब्रेकआउट कर चुका है। और इसी ब्रेकआउट से अच्छा खासा अपसाइन मोमेंटम देखने को मिल चुका है। जिसने भी ये ब्रेकआउट का आसपास पोजीशन लिया था उनको लगभग गाइस 56% का आसपास रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो ये होता है ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना। उसके साथ ही साथ गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था ये लेवल का आसपास। तो इसी लेवल से भी जिसने भी बाई किया था उनको भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट डिस्टीबी शेयर ने दे चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा मौका है। तो अगर आप चाहते हो कि ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड करना, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, उसके साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।